मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि की आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव, सद्बुद्धि दे सरकार में बैठे लोगों को और हमारी महिलाओं को सुरक्षित बनाए, मैं यही आशा करती हूं। आज दो मामले हैं। पहला मामला मेरे गृह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है, तो पहले उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बड़े तामझाम से महिला दिवस मनाया गया था। खैर, मेरा तो ये मानना है कि एक ही दिन महिलाओं का नहीं होता है, ये पूरा साल हमारा है, और हमारी शक्ति को कम आंकना किसी भी पुरुष की गलती होती होगी। खैर, महिला दिवस मनाया गया, नारी शक्ति का आवाहन हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक खबर जो उत्तर प्रदेश से महिलाओं के दमन की, बढ़ते हुए अपराध की आती है, वो सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है और ये थमने का नाम नहीं लेती है। उन्नाव, शाहजहांपुर, हाथरस, लखीमपुर, बाराबंकी और अब कानपुर, एक 13 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके पिता FIR करते हैं और उन्हीं को कुचलकर मार दिया जाता है। आपको याद है उन्नाव में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले तो पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कर दो और फिर उसको अगर कोई थोड़ा बहुत हक दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला हो उसको भी मार डालो, हर साक्ष्य खत्म कर दो। और ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी हैं, तो ना पैरवी होगी, न दोषियों को सजा मिलेगी और महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ता जाएगा। एक 13 साल की बच्ची का रेप अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन योगी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, अमित शाह के मुंह पे चुप्पी है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप रहते हैं, और इन सब लोगों की चुप्पी निंदनीय ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती है इनके आडंबर और ढोंग पर जो महिलाओं के नाम पर नारी शक्ति इत्यादि नारों से रचे जाते हैं। और इनकी चुप्पी जो है, जो सुई पटक सन्नाटा, मैं उसे कहती हूं पिन ड्रॉप साइलेंस, वो महिला सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। योगी जी के पास वक्त है मालदा जाकर वोट मांगने का, वो बंगाल जाकर कहते हैं कि अपराध मुक्त हो जाएगा बंगाल। आपकी नाक के नीचे जो अपराध हो रहा है, आपकी नाक के नीचे जो अराजकता है, उससे आप उत्तर प्रदेश को कब मुक्त करिएगा? और ये सच है कि एक ये स्क्रिप्ट है और ये बार बार रिपीट होती है। पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उसके बाद उसको छिपाने के, उनके साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होती हैं, कुछ नहीं है तो जो पैरवी करने वाला भाई या बाप है उसी को मार डाला जाता है। पूरी की पूरी भक्त मंडली, सूचना सलाहकारों की मंडली, आला पुलिस अधिकारी, गवर्नमेंट, सब लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में महिला के पहले तो प्रूफ करने में कि रेप हुआ ही नहीं है, और फिर उसके चरित्र हनन करने में, उसका कैरेक्टर असासिनेशन होता है। और उसके बाद जब ये सब होने के बावजूद फिर भी प्रूव हो जाता है कि नहीं रेप हुआ है, तो मुंह में दही जम जाती है। क्या हुआ था हाथरस में, वही कानपुर में हो रहा है। एक शब्द हमें अभी तक सरकार से सुनाई नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का जो मूल है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से ही निकलता है। भाजपा ने 2017 में 312 सीट जीती थी, उनके 114 विधायकों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें से 82 के खिलाफ जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जैसे कि रेप और मर्डर जैसे मामले दर्ज हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के खिलाफ इस बढ़ते ग्राफ को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक शब्द तो बोलिए, एक शब्द नहीं बोलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी या तो निर्वाचित सरकारों को गिराने में या ध्रुवीकरण करने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है महिला सुरक्षा पर बोलने का। अगर दिल नहीं दहल रहा है तो मोदी जी एक शब्द तो बोल दीजिए, इसको संज्ञान में तो ले लीजिए, यह बड़ा मामला है। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख उनकी चुप्पी पर होता है जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और बाल और महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। आपने क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली है, क्यों मुंह में दही जमा लिया है? क्या सत्ता का सुख और लोभ हमारी महिलाओं की पीड़ा, उनके दर्द, उनकी सुरक्षा से ज्यादा बढ़कर है? मेरा सिर्फ अपना मानना है कि इस बेटी के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। हम डिमांड करते हैं एक न्यायिक जांच हो इस पूरे मामले की, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जिस पुलिस अधिकारी के बेटे ने यह कुकृत्य किया है उसको जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, और जिन लोगों ने एक पिता की हत्या करी है, साक्ष्य और विटनेसेस और पैरवीकार करने वालों को
रास्ते से हटाने की कोशिश करी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कभी तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार का मरा हुआ जमीर जागेगा और उसी दिन महिलाओं की सुरक्षा का मामला शायद उनके लिए प्राथमिकता बनेगा। I will make a very, very brief statement in English on this. 3 days back, we celebrated International Women's Day with much fanfare. And today again, a very disturbing news from Kanpur. First, the rape of a 13-year-old, which in itself should shake the collective consciousness of our society. But what we see after that is even more shameful, even more disturbing. Her father is crushed by a moving vehicle. And this is a script that gets repeated in Uttar Pradesh. This is the same thing that happened in Unnao. The victim was intimidated to intimidate her family. Her family was killed one by one to remove evidence, to remove proof. And finally, Mr. Sengar was found guilty. And this is exactly what has happened in Uttar Pradesh. It is no surprise to me that the main accused is the son of a UP police officer. And the abject silence of Yogi Adityanath or Amit Shah or Mr. Modi is very, very questionable. They're conspicuous by their silence. Yogi Adityanath has the time to go and campaign in Bengal and talk about, no crime against women in Bengal. What about your own track record, sir? What is happening in Uttar Pradesh and who's going to be responsible for that? Right under your nose, your information officers, your senior police officials, your MLAs, your ministers, first attempt to deny rape, and when they fail to do so, they start assassinating the character of the victim herself. Instances after instances, Unnao, Hathras, Barabanki, Shahjahanpur, the kind of political patronage that is offered is perhaps the reason for crimes like these. And which is why, out of the 312 elected BJP MLAs in 2017, 114 of them face criminal charges and 82 of them, nearly 40%, face grave criminal charges like rape and murder. Can we even expect that people like these will ensure justice? We demand that, given the moral compass of Yogi Adityanath, which is completely lost, he will take into cognizance, he will break his silence, and he should ideally quit his position. We hope Amit Shah, who's perhaps too busy toppling elected governments and also polarizing votes in poll-bound states, will take this into cognizance. We hope Mr. Modi will find this worthy of a mention. But what disturbs me the most is that the woman MP from Uttar Pradesh, who also is the Minister for Women and Child Development, is absolutely silent on this. Not a word from her. I hope she will break her silence because security of women is not an irrelevant issue. We demand that the family be duly compensated. We demand there will be a judicial inquiry into this. And we demand that the insensitive government wakes up and owns up its moral responsibility. This is not just rape, this is murder of the father, in some sense playing with evidence, in some sense also annihilating those who can fight for her rights. Ek aur issue hai, aur ye gambhir issue hai, ek mamla samne aaya hai, aur us pure mamle mein kahin na kahin sarkar ki bakhiya udhed kar rakh di hai. Jo sarkar aur pradhan mantri na khaunga, na khane dunga ki badi badi baatein karte the, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, मैं स्कैनिया के घोटाले की बात कर रही हूँ। स्कैंडिनेवियन रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि केंद्र सरकार को और कुछ प्रांत की सरकारों को घूस दी गई थी बस के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये घोटालों की सरकार है, क्योंकि जब कोई घोटाला सामने आता है तो पूरी तरह से चुप्पी आ जाती है। मैं बार बार कहती हूं, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा, और ये बड़ा मामला है। हम जानना चाहते हैं कि ये किस केंद्रीय मंत्री की बात हो रही, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के ऑफिस से एक अदना सा स्टेटमेंट रिलीज हुआ है, लेकिन साक्ष्य दिखाते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्यापक था, पूरी तरह से व्याप्त था। जो जो लोग उस कंपनी से मिल रहे थे उनकी अभी हम आपके साथ तस्वीरें साझा करेंगे, क्योंकि बताना जरूरी है कि जो जगजाहिर था भ्रष्टाचार, उसमें कौन कौन लिप्त था, कौन सी वो प्रांतीय सरकारें थी, केंद्र सरकार ने उस पर क्या एक्शन लेने की कोशिश करी, क्यों चुप हैं आज मोदी जी? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने तो कुछ खाने से छोड़ा ही नहीं है, ये एक सत्य है। और यह भी सत्य है कि सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिसने रिश्वत दी वो स्वीकार कर रहा है, रिपोर्ट उस कंट्री की स्वीकार कर रही है कि रिश्वत दी गई, जिसने रिश्वत ली
वो मुंह में दही जमाए बैठा है, वो एक शब्द नहीं कहना चाहता है, तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर पब्लिक मनी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं, और सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मैं आपके साथ कुछ साक्ष्य और कुछ तस्वीरें जरूर साझा करना चाहती हूं। ये कुछ तस्वीरें हैं, इसमें आपको सरकार के तमामों मंत्री, अगर आप लोग जूम इन कर लें तो मैं अनुग्रहित रहूंगी, सरकार के तमामों मंत्री उस कंपनी के साथ साझा हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जैसा कि उनका शैली रहती है। ये स्कैनिया के सीईओ हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री महोदय जी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान की चीफ मिनिस्टर दिख रही हैं, यहाँ पर आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सर्फेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री नितिन गडकरी जी दिख रहे हैं। अगर आप और आगे बढ़िएगा तो फिर से प्रधानमंत्री जी हैं। यहाँ पर आपको कानून और विधि के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़बोले हैं, जरा इसके बारे में कुछ बताएंगे कि रिश्वत किसने ली है, और जब कंपनी कहती है कि रिश्वत दी गई है तो क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की, रिश्वत किसने ली है, इसके बारे में कौन बताएगा हमें। ये तस्वीर नितिन गडकरी जी की है। मैं वापस जाना चाहूंगी, जो तस्वीरें खुलकर सामने आई हैं मोदी जी की, प्रांतीय सरकारों की, सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री की, जिस तरह का दोषारोपण हुआ है, ये गंभीर मामला है। और गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिश्वत का यह फेर लंबा था। रिश्वत का यह फेर इसलिए लंबा था क्योंकि इसमें रिश्वत दी गई है, कंपनी ने स्वीकारा है, और सरकार ने अभी तक इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हम डिमांड करते हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक अदना सा स्टेटमेंट किसी मंत्री के ऑफिस से स्वीकार नहीं है। ये पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी, ये पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक लाइफ में स्वच्छता का मामला है। ये आक्षेप सीधा सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है और इस पर वो चुप्पी नहीं रख सकते हैं। आई विल मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन दिस इन इंग्लिश। द रिपोर्ट्स ऑफ द बस कॉन्ट्रैक्ट स्कैम आर इनडीड वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। द स्कैंडिनेवियन गवर्नमेंट्स रिपोर्ट पॉइंट्स अ फिंगर एट इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्टर्स, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इवन देन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन दिस। द सेम प्राइम मिनिस्टर who used to speak about probity in public life is today forced to be silent. He does not even want to talk about this. We get an obscure statement from the office of a minister. This is a finger pointing at the highest level of the government. I will produce some proof here. These are pictures of various ministers, including the prime minister, with the management of Scania. If you actually go on to see, this is the Prime Minister with the CEO, various pictures there. There are various pictures with Mr. Gadkari. There are also pictures with Vasundhara Raje ji, who was then the Rajasthan Chief Minister. Here's Mr. Gadkari, the Surface Transport Minister then. The Prime Minister again. What you actually see is also India's Law Minister, the IT and Telecom Minister, Ravi Shankar Prasad ji. At some point in time, somebody in this government will have to explain what was happening here. They will have to answer a very basic question. Who is responsible for this? Their absolute silence, their conspicuous silence cannot be ignored. And their absolute conspicuous silence is on account of this government's complicity. There is no other reason why they are silent. Look at these pictures. And they tell you a tale of a lot of proximity. They tell you a tale of lack of accountability. We demand there be a judicial inquiry into this. We demand that the government of India takes this into cognizance and issues a statement and clarify its position. Because this is a strange case where somebody who has offered the bribe has accepted that a bribe has been offered. But the bribe has been received by a certain section who are absolutely quiet. And this goes all the way up to the Prime Minister's office because he was involved with the various contracts and various signing, and he's a part of all of these meetings. We demand an inquiry into this, and we hope that the government will take this into cognizance and not brush it under the carpet, just like many other scams in its regime have been brushed. Thank you.
ऐसा है कि ये रिपोर्ट जो है ये स्कैंडिनेविया की प्रेस ने स्कैंडिनेवियन गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करी है. जो साक्ष्य भी हम बता रहे हैं, जो आपने बसों के नंबर दिए वो वहीं से आए हैं. मैं उस रिपोर्ट को क्यों कोट करूं, क्योंकि वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, वो अब सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है. जहां तक आपने नितिन गडकरी जी की बात करी, हाँ, क्योंकि वो मुख्यतः मंत्री हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के, उनको तो जवाब देने की जरूरत है ही. लेकिन क्या इससे आप मोदी जी को बख्श देंगे? क्या रविशंकर प्रसाद जी, क्या उनके वेरियस मुख्यमंत्री चुप बैठेंगे? हाँ, नितिन गडकरी जी को जवाब देना पड़ेगा, और उनके ऑफिस से एक अदना सा स्टेटमेंट जवाब नहीं हो सकता है. लेकिन हमने आपको साक्ष्य यहां पर प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट के आला अधिकारी, आला मंत्री, और यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी भी इस पूरी संरचना का हिस्सा थे. और अगर ऐसे मामले में मोदी जी की तस्वीरें सामने आई हैं स्कैनिया के सीईओ के साथ, तो वो एक्सप्लेन तो करें कि क्या बातचीत हो रही थी. क्योंकि जो रिपोर्ट है वो कहती है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को घूस दी गई. एक कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि उसने घूस दी गई, लेकिन विरोधाभास ये कि जिसको घूस दी गई वो चुप बैठा हुआ है, उसने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते हर व्यक्ति को ईमानदारी से आगे आकर साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, और इसको फिर से जो एक कारपेट के नीचे ब्रश कर दिया जाता है, इसको हर तरह से हटा दिया जाता है, मामला धीमे से उसको गायब कर दिया जाता है, वो नहीं हो सकता है. क्योंकि ये पब्लिक लाइफ का मामला है, इसकी उंगली सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक उठी है. ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते इसकी घोर निंदा करती हूं. सार्वजनिक जीवन में होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है. और मुझे ये दुख होता है देखते हुए, कहते हुए, जिस तरह का माहौल है बंगाल में, 73 साल आजादी के बाद आज हम रक्त रंजित राजनीति की बात कर रहे हैं. आज एक दूसरे के ऊपर भाजपा और तृणमूल हिंसा का आरोप लगा रहे हैं, वो मर्डर का आरोप लगाते हैं, वो रक्त रंजित राजनीति की बात करते हैं. अगर समय रहते हुए तृणमूल की सरकार ने विकास का काम किया होता, शिक्षा का काम किया होता, युवाओं की रोजगार का काम किया होता, तो आज मूल मुद्दों पर बात होती. अगर समय रहते अभी भी भाजपा चेत जाए और विभाजन ना करे, विभाजनकारी नीतियां ना अपनाए, हर जगह जाके ध्रुवीकरण ना करे, तो मुद्दों पर राजनीति होगी. मुझे दुख है कि उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं ये भी कहती हूं कि सभ्य समाज में, सार्वजनिक जीवन में हिंसा की कोई जगह नहीं है. आई थिंक द इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी सॉट डिटेल्स एंड दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर एविडेंस. That's to the best of my knowledge. If they haven't, they should do this immediately. But I think to the best of my knowledge, they have already sought a report. You are right that the police goes under the election commission when the model code of conduct kicks in. I also feel that as a woman, I completely denounce what has happened. I also feel that there is no space for violence in public life. None whatsoever. Our politics cannot be one of blood. Our politics cannot be one of bloodshed at all. I hope at some stage the BJP will realize that its divisive politics, that its politics of polarization is bearing the results for this country which it is. I also hope, and I was wishing that if the Trinamool government had worked for the kind of employment that was needed in West Bengal, if they had worked for education, if they had worked for health, we would perhaps see a very different narrative. It is a shame to see politicians from Trinamool and the BJP blame each other for hitting out at each other physically, for violence, for bloodshed. Is there a space for a discourse like this 73 years after independence? That's the first question and the foremost question that any civil society needs to put up. नहीं, विरोधाभास नहीं है. देखिए, ऐसा है कि जब कभी भी ऐसी खबर सामने आती है तो उसको फर्स्ट इंस्टेंस आप सही ही मान के रिएक्ट करिएगा. उनके पास हो सकता है कुछ और साक्ष्य हो, वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनके पास हो सकता है कुछ और इसके बारे में साक्ष्य हो, कुछ और सच वो जानते हो जो मैं अभी यहां पर खड़े होकर नहीं जानती हूं. मेरे हिसाब से एक हिंसा का मामला हुआ है, उनको चोट पहुंची है, और इसलिए मैं इसको डिनाउंस करना अपनी जिम्मेदारी समझती हूं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कोई विरोधाभास नहीं है.
जो खबर सामने आई उस पर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने या हम में से कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, उसको आप विरोधाभास ना कहिए, हमने आती हुई खबर पर रिएक्ट किया है। अगर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने इसको कुछ और बताया है तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और हो सकता है उनके पास इसका कोई और साक्ष्य हो जो हमारे साथ अभी साझा नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि पब्लिक लाइफ में मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज बंगाल चुनाव 9 फेजेस में क्यों हो रहा है इसकी बात होनी चाहिए। आज बंगाल चुनाव में आजादी के 73 साल बाद रक्त रंजन की क्यों बात हो रही है इसकी बात होनी चाहिए। ये सारी बातें आज नहीं हो रही हैं और इसके बारे में सवाल उठना जरूरी है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा। आप मेरी बातों को पहले तो तोड़िए मरोड़िए नहीं, वो काम मत करिए जो आपके टेलीविजन एंकर करते हैं। आप लोग तो अच्छी पत्रकारिता करते हैं तो वही करते रहिए, इसी के लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप लोग टेलीविजन एंकर से अपने मत इंस्पायर होइए क्योंकि वो बातों को तोड़ते मरोड़ते हैं। मैंने निजी राय नहीं कहा है, मैंने कहा हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य या सबूत हो जो हमारे साथ अभी तक साझा नहीं हुए हैं। मैं खुश हूं कि आपने मुद्दे की बात करी। एडिबल ऑयल का प्राइस 95 रुपए होता था, अब 150 रुपए में मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई मीडिया नहीं कर रहा है। जो मीडिया, और मैं आज मीडिया में होने के नाते भी थोड़ा सा मीडिया को खरी खोटी सुनाऊंगी, और इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि जब हम भी मीडिया में होते थे तो हम बढ़ती कीमतों पर बड़ी हायतौबा मचाते थे। आज वही मीडिया के एडिटर्स न्यूज चैनल्स पर बैठकर या एडिटोरियल लिखकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर महंगाई है आप राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। तो जब पहले महंगाई का आप विरोध करते थे और भाजपा भी करती थी, तो क्या आप देशद्रोह कर रहे थे, आप राष्ट्रद्रोह कर रहे थे? महंगाई सबसे बड़ा अभिशाप है, महंगाई सबसे बड़ा पाप है। आप एडिबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, एक खबर आई है एक डेली में कि एफएमसीजी कंपनीज, जो कंपनीज साबुन तेल शैंपू दांत का मंजन इत्यादि बनाती हैं, वो कंपनीज ने भी दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और एफएमसीजी का दाम तब बढ़ता है जब महंगाई सर ऊपर से गुजरने लगती है, और एफएमसीजी ने, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना बढ़ गया है इसलिए वो विवश है, कहते हैं दाम बढ़ाने के लिए। और एफएमसीजी का बढ़ता दाम हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो मंजन करता है इस देश में। वो देश का सबसे अमीर आदमी है और उस पंक्ति में, गरीबों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा गरीब व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। 100 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। चुनाव आएंगे तो दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे तो आपकी कमर तोड़ी जाएगी। एलपीजी का सिलेंडर 225 रुपए बढ़ जाता है, 6 बार दाम बढ़ाए गए 3 महीने में। किस चीज का बदला आप देशवासियों से ले रहे हैं? ये देशवासी आपके कुप्रबंधन में, कोरोना में आपके साथ खड़े रहे, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, फिर भी आपको इस देश ने साथ दिया, आपका हाथ पकड़ा। आप देश से किस चीज का बदला ले रहे हैं? और अगर वाकई में आप देश का भला चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को घटाइए। ये जब कीमतें घटेंगी अपने आप एफएमसीजी खाद्य पदार्थों की कीमतें भी घटेंगी। आप रीडिंग ले लीजिए, जो लोग यहां पर अर्थशास्त्र ट्रैक करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन तो जबरदस्त बढ़ ही रहा है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जो फूड और फ्यूल को छोड़कर होता है, वो 6.5% आया है जनवरी में और वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी भयावह सिचुएशन होने वाली है। आरबीआई ने दबी जबान में इसका उल्लेख भी किया है। तो मुझे लगता है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई वही डायन है, लेकिन ऐसा लगता है मोदी सरकार में वो डार्लिंग बन चुकी है, डायन नहीं रही है। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।